갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. Hello everyone, welcome back to my channel guys. So today I'm gonna show you that how I take care of my skin after a makeup, or you can say that let's go unready with me. So aaj yahi share karne wali hu, so let's get started. So sabse pehle maine jo bhi jewelries wear ki hoti hain या फिर जो मेकअप वेयर किया होता है मुझे उसे रिमूव करना होता है आफ्टर दैट स्किन केयर होता है स्टार्ट. यहाँ मैंने अपनी बिंदी भी हटा दी है और फॉल्स आईलैशेस को सबसे पहले मैंने हटा दिया है बिकॉज इसके साथ यू नो स्किन केयर कर पाना इम्पॉसिबल है. सबसे पहले ले रही हूँ एलोवेरा जेल टू रिमूव माई मेकअप. इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हो गार्नियर मिसेलर वाटर विच इज़ स्पेशली मेड फॉर मेकअप रिमूवल, और मेरे पास वो नहीं था, ख़त्म हो गया था. सो दैट्स वाई मैंने आज एलोवेरा जेल यूज़ किया है. एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन को यू नो हाइड्रेट रखता है और साथ ही में स्मूथ भी बनाता है. तो एलोवेरा जेल मेरी स्किन केयर में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. उसके बाद मैंने लिए हैं 2 ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल, कोई भी कोकोनट ऑयल चलेगा, एंड उससे आप अपने फेस को मसाज दीजिए. इससे अच्छा कोई भी मेकअप रिमूवर हो ही नहीं सकता हर्बल में. तो मैं इस तरीके से अपने फेस को मसाज कर रही हूँ और इसे देखिए मेकअप कितनी इजीली से सारा रिमूव हो रहा है. तो अच्छे से मसाज कीजिए अपनी आईज़ के ऊपर, लिप्स के ऊपर, नोज़ के ऊपर. अच्छे से मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ ताकि मेरा मेकअप जो है प्रॉपरली क्लीन हो जाए, और हो भी गया ऑलमोस्ट. उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ. मैंने यहाँ पे अपने फेस को वॉश किया है पॉन्ड्स चारकोल फेस वॉश से. ये मेरा परफेक्ट यू नो परफेक्ट जेम है. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वाओ का स्किन टोनर. ये बहुत ही प्यारा एक रोज़ का टोनर है, रोज़ एंड लेवेंडर या. तो ये बहुत ही अच्छा है स्किन के ऊपर, एकदम से यू नो मेरा फेस जो है काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा है. प्लस हाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आफ्टर मेकअप. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे गुड वाइब्स का ये ब्राइटनिंग फेस पैक. और ये मुझे ब्रश की हेल्प से ये नहीं अप्लाई हो रहा था, तो दैट्स वाई मैंने फिंगर की हेल्प से इसे अप्लाई किया. इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, यू नो यानी कि अगर आप इसको फिंगर की हेल्प से उठाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. फेस पैक लगाने से आपके फेस पे जो भी हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं या डार्क स्पॉट्स होते हैं वो हट जाते हैं. आई मीन धीरे धीरे यू नो स्लोली स्लोली कम हो जाते हैं. इससे आपके फेस पर एक ग्लो भी आता है. अगर आप डेली बेसिस पे मेकअप करते हो या फिर कभी कभी मेकअप करते हो तो उससे ज़्यादा गाइस स्किन केयर करना ज़रूरी है. बिकॉज मेकअप से ज़्यादा स्किन केयर करेंगे तभी आपकी स्किन जो है हेल्दी रहेगी और दोबारा उसके ऊपर आप मेकअप अप्लाई कर सकते हो. 5 मिनट्स बाद मैंने इस तरीके से इसे हटा दिया है, पानी से फेस को धो लिया है और मैं अब काफ़ी ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ. उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ विटामिन सी का गुड वाइब्स का ये सीरम अपने फेस के ऊपर. बहुत ही अच्छा सीरम है, हाइड्रेटिंग सीरम है, मेरे फेस को नॉन ऑयली बनाएगा साथ ही में हाइड्रेट भी रखेगा. तो ये चिपचिपा सीरम नहीं है, बहुत अच्छा सीरम है, लाइट वेट सीरम है जो कि बहुत अच्छा लगता है. यू नो आपके फेस के ऊपर फेस पैक लगाने के बाद सीरम लगाते हैं तो उसमें आपके फेस पे डबल ग्लो आता है, ग्लो के साथ साथ आपकी स्किन जो है हेल्दी भी बनती है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से फेस पे एक अच्छा मॉइस्चर आया है. और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे प्लम की ये क्रीम. दिस वन इज़ माई मोस्ट फेवरेट क्रीम और इसको मैं ज़्यादातर यू नो रात को ही यूज़ करती हूँ अपने फेस को वॉश करने के बाद. तो डेली बेसिस के अकॉर्डिंगली ही मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अभी लगा ली है और काफ़ी अच्छा स्किन जो है ग्लोई लग रहा है. उसके बाद टाइम आता है मसाज का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और ज़्यादातर लोग बिल्कुल नहीं करते हैं या फिर भूल जाते हैं या तो करना ही नहीं चाहते. तो ये स्टेप जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मैंने यहाँ पे अपने पाम से अपनी आईज़ के ऊपर उसे ऑन ऑफ यू नो इस तरीके से किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे रिलैक्सेशन मिल रहा है. और अपने फेस को मैं वार्मनेस करने के लिए मैंने अपने हाथों का जो मेरी पाम है वो मैंने अपनी चीक्स के साथ यू नो टच किया है और थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस किया है ताकि फेस के ऊपर वार्मनेस आए, ब्लड सर्कुलेट हो. सो इस तरीके का स्किन केयर मैं फॉलो करती हूँ आफ्टर डूइंग माय मेकअप. आई होप गाइस दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू और द स्किन केयर गोना बी वेरी वेरी बूस्ट योर स्किन. सो आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, अच्छे लगे तो मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस, हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू कमेंट बिलो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.